नाज़िर अकरम महाराष्ट्र के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मालेगांव के लीडर अब्दुल मलिक पर कुछ अफराद ने नामालूम अफराद ने 3 राउंड फायरिंग कर दी है। जी हां नाज़रीन, मालेगांव के साबिका मेयर अब्दुल मलिक जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के मालेगांव के लीडर है, उनके ऊपर 3 राउंड फायरिंग कर दी है कुछ नामालूम अफराद ने। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जिस वक्त अब्दुल मलिक ने एक चाय की दुकान पर चाय पीते हुए बैठे थे, जहां पर कुछ नामालूम अफराद ने उन पर गोलियों से हमला कर दिए यानी फायरिंग कर दिए। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि 3 राउंड फायरिंग हुई है और वहां के अवाम और पुलिस ने उनको दवाखाना मुंतकिल किया है, जहां पर एक क्रिटिकल कंडीशन बताया जा रहा है अब्दुल मलिक का, जहां पर मालेगांव की पुलिस ने मालेगांव के उस इलाके को जहां पर फायरिंग हुई है वहां पर घेराबंदी करी है और कसीर तादाद में वहां पर मालेगांव की आवाम नज़र आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, जहां पर मालेगांव के AIMIM के लीडर अब्दुल मलिक पर फायरिंग हुई है, 3 राउंड फायरिंग हुई है, जिसकी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदीन ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। मैं मोहम्मद हाजिली, आप देख रहे हैं।